बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और आज बच्चों हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7। और मैंने उसकी एक्सरसाइज ले ली 7.1, और उसका क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया। मदरजा जेल मसावातों का हल सेट मालूम करें। तो बच्चों हल सेट के लिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमने उसका हल सेट बताना है। तो बच्चों ये हमें उसका जोज नंबर 1 दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बच्चों हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये बटे वाली रकम ख़त्म करनी है। 3 ख़त्म करना है, 2 ख़त्म करना है और 6 ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सी नीचे वाली जो सी रकमें हैं ना, इसका हम पहले ले लेंगे जुआ जाफकल। बच्चों क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल ले लेंगे। तो हमारे पास क्या है, नीचे वाली रकम 3 है, 2 है और 6 है। अगर हमारे पास नंबर आ जाए तो नंबर का जुआ जाफकल इस तरीके से लेना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम 2 के टेबल पे करेंगे, ये वाला 3 इसी तरह तार दिया, ये 2 एकम 2 आ गया, 2 3 6 3 आ गया। अब 3 के टेबल पे करेंगे, 3 एकम 3, ये 1 इसी तरह 3 एकम 3। तो इसका जौन सा हमारे पास जुआ जाफकल बनेगा, बच्चों जुआ जाफकल किसके बराबर आ गया, 3 दुनी 6। तो हमारे पास जुआ जाफकल कितना आ गया, 6। तो बच्चों हमने हल सेट मालूम करना है। हल सेट का मतलब क्या, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जाहरी बात है नीचे वाली रकम क्या करनी है, ख़त्म। तो नीचे वाली रकम का पहले क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल ले लेंगे। जुआ जाफकल कितना आ गया, 6। अब इस जुआ जाफकल को इस पूरी वैल्यू के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे तरफैन को जुआ जाफकल 6 से जरब दी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस पूरी मसावात को ये 6 का जो सा जुआ जाफकल है इसके साथ क्या करवा देंगे, जरब। तो बच्चों मेरे पास ये 2/3 इसी तरह आ गया, एक्स आ गया, इसको ज़रब करेंगे 6 के साथ। इसी तरह माइनस का 1/2 एक्स, इसको ज़रब करेंगे 6 के साथ, और ये मसावी आ गई, और इसको भी ज़रब करेंगे 6 के साथ, और ये प्लस 1/6 इसी तरह इसको भी ज़रब करेंगे 6 के साथ। इस पूरी मसावात को तरफैन का नीचे वाली रकम का क्या लेना है, जुआ जाफकल। इस जुआ जाफकल को तरफैन के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब, इस पूरी मसावात के साथ। तो बच्चों ये 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 2 आ गया, हमारे पास आ गया 2x into 2। इसी तरह 2 एकम 2, 2 3 6, 3 आ गया। जब 3 को x के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 3x आ गया। इसी तरह बच्चों 6 6 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 6x+1 आ गया। तो 2 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, माइनस का 3x = 6x+1 आ गया, प्लस का 4x - 3x, क्या बचेगा, प्लस का x, और ये 6x+1 इसी तरह। अब x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे और सादा रकम एक तरफ। तो बच्चों ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, ये 6x इसी तरह। ये प्लस का x है, इस तरफ आके माइनस का x हो गया। x वाली रकम एक तरफ और सादा रकम एक तरफ करनी है आपने। तो बच्चों ये 6x में से माइनस करेंगे x, तो ये आ गया 5x। तो ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब हमने क्या बताना है, ये हल सेट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पड़ताल करेंगे। अगर मैं ये x की वैल्यू इस मसावात के अंदर दर्ज कर दूं, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता है बराबर। तो वो उसका क्या हो जाएगा, इस मसावात का ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हल सेट। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पड़ताल। तो बच्चों क्या कर देंगे, पड़ताल करेंगे। हमने x इक्वल टू क्या पुट करना है, -1/5। तो बच्चों क्या करेंगे, इस मसावात के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, -1/5, और ये -1/2 इसी तरह, x की जगह -1/5, और ये मसावी आ गई हमारे पास। इस x की जगह पुट कर देंगे -1/5, और ये 1/6 इसी तरह।
तो ऊपर ऊपर जरब कर देंगे, नीचे नीचे जरब, 2 एकम 2 माइनस का 2 आ गया, 5 3 15 आ गया, नफी नफी जमा आ गया, 1 को 1 के साथ जरब करेंगे, 1 5 दुनी 10 आ गया, मसावी। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये माइनस का 1/5 इसी तरह, और 1/6 इसी तरह। हमने क्या करनी है, पड़ताल, इसका भी जुआ जाफका ले लेंगे और इस रकम का भी जुआ जाफका ले लेंगे। जुआ जाफका का मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना बनेगा, 30, 15 दुना 30, 2 पे गया, 2 दुनी 4 हो गया, 10 तिया 30, 3 पे गया, 3 1 के साथ जरब हो गया। इसी तरह इसका भी जुआ जाफकल कितना बनेगा, 30, 5 6 30, 6 पे गया, 6 1 के साथ जरब, 6 5 30, 5 पे गया, 5 1 के साथ जरब। तो बच्चों मेरे पास ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 1/30 आ गया। इसी तरह ये माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, तो ये माइनस का 1/30 आ गया। तो बच्चे ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये जो सा आंसर है ना, इस मसावात का क्या कहलाएगा, हल सेट। अगर लेफ्ट और राइट का आंसर आ जाता है बराबर, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हल सेट हमारे पास आ गया, दरमियानी ब्रैकेट लिखेंगे और माइनस का 1/5, ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है, एक्स माइनस 3/3 माइनस का एक्स माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों हमने इसकी इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने नीचे वाली रकम को क्या करवाना है, ख़त्म। नीचे वाली रकम को क्या करना है, ख़त्म। ख़त्म करने के लिए हम नीचे वाली रकम का क्या ले लेंगे, पहले जुआ जाफकल ले लेंगे। इसका पहले जुआ जाफकल निकाल लेंगे, क्या है, 3,2 है, नीचे वाली रकम 3 है और 2 है। तो बच्चों इसका जुआ जाफकल निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास 2 के टेबल पे कर लेंगे 3, इसी तरह 2 एकम 2 आ गया, फिर 3 के टेबल पे 3 एकम 3 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास इसका जुआ जाफकल जो सा हमारे पास बनेगा, जुआ जाफकल 3 दुनी 6 आ गया। तो बच्चों इस जुआ, इस तरफैन को, इस मसावात को ना, इस 6 जुआ जाफकल के साथ क्या करवा देंगे, जरब। तो नीचे वाली रकम क्या हो जाएगी, खत्म। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तरफैन को जुआ जाफकल 6 से जरब दी। तो बच्चे ज़रब करवा देंगे 6 के साथ, तो ये हमारे पास एक्स माइनस 3/3 इसको ज़रब करेंगे 6 के साथ, और ये एक्स माइनस 2/2 इसको ज़रब करेंगे 6 के साथ, और -1 को ज़रब करेंगे 6 के साथ। तो बच्चे ये 3 एकम 3, 3 दुनी 6 2 आ गया, तो ये मेरे पास एक्स माइनस 3 × 2 आ गया। इसी तरह 2 एकम 2, 2 3 6 3 आ गया, और ये एक्स माइनस 2 × 3 आ गया। 6 को -1 के साथ जरब करेंगे, माइनस का 6 आ गया। अब 2 को इसके साथ जरब करवा देंगे, इस 3 को इसके साथ जरब करवा देंगे, 2 एकम 2 x आ गया, 2 3 6 आ गया। तो बच्चों ये माइनस, इसी तरह इस 3 को पहले जरब करवा देंगे, 3 x हो गया, 3 दुनी 6 आ गया, इज इक्वल टू -6। तो मेरे पास आ गया 2 x - 6, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामते तब्दील करवा देंगे, माइनस का 3 x, नफी नफी जमा का 6 इज इक्वल टू -6। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का 6 है, प्लस का 6 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 2 x - 3 x इज इक्वल टू -6। प्लस का कितना हमारे पास, 2 x है, माइनस का 3 x, क्या बच गया, माइनस का x। तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने क्या बताना है, भी ये वैल्यू इस रकम, इस मसावात का हल सेट है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पड़ताल। अगर मैं ये वैल्यू लेफ्ट और राइट के अंदर दर्ज करूं, अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ये जो सी वैल्यू है ना एक्स की,
ये इस मसावात का क्या कहलाएगा हल सेट। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पड़ताल। तो बच्चे पड़ताल कर लेंगे, पड़ताल करेंगे तो बच्चों हमने एक्स इज इक्वल टू आ गया 6। इस मसावात के अंदर जहां जहां पर एक्स था वहां पर हमने क्या पुट करना है, 6। ये माइनस इसी तरह आ गई और इस एक्स की जगह 6 माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों जब 6 इस मसावात के अंदर आपने दर्ज करनी है ये वाली एक्स की वैल्यू, 6 में से माइनस 3 करेंगे तो 3 ओवर 3 हो गया, 6 में से माइनस 2 करेंगे 4/2 हो गया इज इक्वल टू माइनस 1। 3 3 के साथ कैंसिल, 1 आ गया, 2 दूनी 4 2 आ गया इज इक्वल टू माइनस 1। प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों ये देख लें मैंने एक्स की वैल्यू 6 दर्ज कर दी इस मसावात के अंदर, तो हमारे पास दोनों का आंसर क्या आ गया, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सी वैल्यू क्या कहलाएगी, हल सेट। हल सेट हमारे पास दरमियानी ब्रैकेट 6 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 3 करेंगे, बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है इसका, हमारे पास 1/2 ब्रैकेट एक्स माइनस 1/6 प्लस का 2/3 मसावी हमारे पास 5/6 प्लस का 1/3 इंटू 1/2 माइनस का 3x माइनस का 3x। तो बच्चों सबसे पहले ना 1/2 को इस वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे और ये 1/3 को इस वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये 1 ऊपर ऊपर 1, ये 1 ऊपर ऊपर ज़रब हो जाएगा, ये 2 नीचे ज़रब हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 1 इन दो रकमों के ऊपर ज़रब हो जाएगा और ये वाला 3 नीचे ज़रब हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास आ गया एक्स ओवर 2 आ गया माइनस, इसी तरह 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 1 आ गया, 2 6 12 12 आ गया। इसी तरह बच्चों ये मेरे पास 2/3 आ गया इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/2 3 6 आ गया माइनस का 3x/3 आ गया। तो बच्चों क्या कर दिया मैंने, 1/3 को 1/2 को इस वैल्यू के साथ ज़रब कर दिया, 1/3 को इस वैल्यू के साथ मैंने ज़रब करवा दिया। तो बच्चों ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, मेरे पास आ गया x/2 माइनस 1/12 प्लस 2/3 इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6 माइनस का x। तो बच्चों मैंने x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या, मैंने नीचे वाली रकम को क्या करवाना है, ख़त्म। ख़त्म करवाने के लिए हमें सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू का क्या लेना पड़ेगा, जुआ जाफकल। तो बच्चों जुआ जाफकल ले लेंगे, तो एक तो हमारे पास 2 है नीचे और हमारे पास 12 है और हमारे पास 3 है और 6 है, ये 2 बार आ गया 6 6, एक बार लेना है जुआ जाफकल निकालने के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम 2 के टेबल पे देख लेंगे, 2 एकम 2 आ गया, 2 6 12 हो गया, ये 3 इसी तरह, 2 3 6 आ गया। अब 3 के टेबल पे ये 1 इसी तरह, 3 दूनी 6 2 आ गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 इसी तरह। फिर 2 के टेबल पे कर देंगे ये 1 इसी तरह, 2 एकम 2 आ गया, ये 1 इसी तरह उतार लिए। अब हमने इसका क्या निकाल लिया, जुआ जाफकल। जुआ जाफकल कितना आ गया, 2 3 6 6 दूनी 12 12 आ गया। अब नीचे वाली रकम को हमने क्या करवाना है, ख़त्म। तो क्या करेंगे, इस 12 के साथ इस पूरी मसावात को क्या करवा देंगे, ज़रब। तो बच्चे यहाँ पर हम लिखेंगे तरफैन को जुआ जाफकल, जुआ जाफकल 12 से ज़रब दी। तो इस तमाम रकम के साथ 12 को क्या करवा देंगे, ज़रब। तो बच्चे मेरे पास x/2 इसको ज़रब करवा देंगे 12 के साथ। इसी तरह बच्चों ये माइनस का 1/12 इसको ज़रब करवा देंगे 12 के साथ। प्लस का ये 2/3 है इसको ज़रब करवा देंगे 12 के साथ। ये मसावी इसी तरह 5/6 है इसको ज़रब करवा देंगे 12 के साथ। प्लस 1/6 है इसको ज़रब करवा देंगे 12 के साथ। माइनस एक्स को ज़रब करवा देंगे 12 के साथ।
तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, सब मैंने नीचे वाली रकम ख़त्म करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, इन नीचे वाली रकम का पहले जुआ जाफ का निकाला 12, फिर 12 को 7 इस पूरी मसावात को ज़रब करवा देंगे। तो बच्चे ये 2 एकम 2, 2 6 12, 6 आ गया, 6 को एक्स के साथ ज़रब करेंगे 6 एक्स हो गया, 12 12 के साथ कैंसिल -1 आ गया, 3 एकम 3, 3 4 12, 4 आ गया, 4 दुनी 8 आ गया मसावी। इसी तरह 6 एकम 6, 6 दुनी 12, 5 दुनी 10 आ गया, 6 एकम 6 दुनी 12, 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 12 को एक्स के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 12 एक्स आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे और एक्स वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। तो बच्चे मेरे पास ये 6 एक्स है, ये माइनस का 12 एक्स है, इस तरफ आके प्लस का 12 एक्स हो गया, और ये 10 और 2 12 आ गया, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 8 है, इस तरफ आके माइनस का 8 आ गया। तो बच्चे ये 12 प्लस 6 हमारे पास 18 एक्स आ गया। इसी तरह 12 और 1 हमारे पास 13 माइनस 8, तो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा 18 एक्स इज इक्वल टू, 13 में से -8 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो बच्चों ये 18 ज़रब है, इस तरफ आके 18 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों ये इसका क्या आ गई, एक्स की वैल्यू। अब हमने अगर मैं ये वाली एक्स की वैल्यू लेफ्ट और राइट के अंदर दर्ज करूं, अगर दोनों का आंसर आ गया बराबर, तो इसका मतलब ये हो गया ये वैल्यू क्या कहलाएगी, इस मसावात का हल सेट। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पड़ताल। तो बच्चों पड़ताल कर लेंगे, क्या करेंगे, पड़ताल करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपने खुद ही पड़ताल कर लेनी है। आपने क्या करना है, ये जो सी एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ पर आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने ये वैल्यू दर्ज कर देनी है। तो फिर उसका वो क्या, अगर ये लेफ्ट और राइट का आंसर आ जाता है बराबर, तो वो उसका क्या कहलाएगा, हल सेट। तो ये आपने खुद ही इसकी पड़ताल कर लेनी है। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। बच्चे इसका जोज नंबर है हमारे पास 4, जोज नंबर हमारे पास 4 है, एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 × x माइनस का 2/3 और माइनस का 6 एक्स। तो बच्चे मेरे पास ये एक्स प्लस 1/3 इसी तरह आ गया, इस 2 को ज़रब करवा देंगे, ये 2 एक्स हो गया, 2 दुनी 4/3 आ गया। और ये 2 सिर्फ ऊपर ज़रब करवाना है, नीचे इसका बटा क्या है, 1। ऊपर 2 को ऊपर ऊपर ज़रब करवा देंगे, इस 1 को नीचे ज़रब करवाना होता है। तो ये 4 दुनी 2 दुनी 4 आ गया, ये 1 को ये 3 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3 आ गया, और ये माइनस का 6 आ गया। तो बच्चों हमने नीचे वाली रकम को क्या करवाना है, ख़त्म। तो नीचे क्या सिर्फ हमारे पास 3 है, तो 3 को हमने ख़त्म करने के लिए हम क्या करवा देंगे, 3 के साथ तरफैन को ज़रब करने से, तरफैन को 3 से ज़रब करने से। तो बच्चों ज़रब करवा देंगे, तो ये इसके साथ भी 3 के साथ ज़रब करवा दिया, 1/3 ज़रबे 3। इसी तरह 2x को ज़रब करवाएंगे 3 के साथ, -4/3 ज़रब करवाएंगे 3 के साथ, -6x इसको ज़रब करवाएंगे 3 के साथ। तो बच्चों ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों मेरे पास आ गया 3x प्लस 1 मसावी 3 दुनी 6 एक्स हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल, तो माइनस का 4 आ गया, 6 3 18 18 एक्स आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, 3x प्लस 1 इसी तरह ये हमारे पास आ गया 6 एक्स है, और ये माइनस का हमारे पास, ये माइनस का 4, माइनस का 18 एक्स है, तो ये माइनस का 12 एक्स बच गया। अब एक्स वाली रकम एक तरफ और सादा रकम एक तरफ, तो बच्चों ये हमारे पास 3x, ये माइनस का 12x इस तरफ आके प्लस का 12x हो गया, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 1 हो गया। तो 12 प्लस 3 करेंगे तो ये 15x हो गया, माइनस का हमारे पास 4 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 5 आ गया। और यहाँ पर 15 क्या हो रहा है, ज़रब, उस तरफ जाके 15 क्या हो जाएगा, तकसीम।
ये 15 क्या हो जाएगा उस तरफ जाके तकसीम, 5 एकम 5, 5 3 15, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/3। अब हमने इसका क्या निकालना है, हल सेट। हल सेट निकालने के लिए अगर मैं ये वाली एक्स की वैल्यू लेफ्ट और राइट के अंदर दर्ज कर दूं, दोनों का आंसर आ जाता है बराबर, तो वो उसका क्या हो जाएगा, इस मसावात की ये वैल्यू क्या कहलाएगी, हल सेट। तो बच्चे इसके लिए हमें पड़ताल करनी पड़ेगी, तो मैं पड़ताल भी कर देता हूँ इसकी। पड़ताल एक्स इक्वल टू मैंने पुट करना है माइनस का 1/3, मसावात के एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1/3, और ये 1/3 इसी तरह आ गया, और ये 2 इसी तरह। इस एक्स की जगह पुट करना है 1/-1/3, और ये माइनस का 2/3 इसी तरह, और ये -6 आ गया। एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस का 1/3 मसावात के अंदर। बच्चों इसका जुआ जाफकल आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल -1, 3 3 के साथ कैंसिल +1। तो बच्चों इस 2 को ज़रब करवा देंगे, माइनस का 2 आ गया -3, और इसको ज़रब करवा देंगे, माइनस का 2 दूनी 4 हो गया -3। बच्चों इस 2 को ऊपर ज़रब करवाना है, नीचे ज़रब नहीं करवाना है। तो इसी तरह बच्चों ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया, नफी नफी जमा का 2 आ गया। तो बच्चे ये माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो ये ऊपर आ गया 0/3 मसावी। तो बच्चों इसका हम जुआ जाफ कर लेंगे, तो ये 3 बनेगा, 3 3 के साथ कैंसिल -2, 3 3 के साथ कैंसिल -4, 3 दुनी 6 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 0 को जब 3 के साथ तकसीम करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह बच्चों ये माइनस का 6 प्लस का 6 बन गया -3, तो -6 प्लस 6 कैंसिल होके हमारे पास आ गया 0/3। और आप लोगों को पता है 0/3 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर मैं ये वैल्यू लेफ्ट और राइट के अंदर दर्ज करता हूँ तो दोनों का आंसर आ जाता है बराबर, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, हल सेट। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हल सेट। हमारे पास दरमियानी ब्रैकेट आ गया माइनस का 1/3, ये था हमारे पास जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 5 करेंगे इसका। जोज नंबर है हमारे पास 5, जोज नंबर हमारे पास 5 है, 5 × x − 3/6 −x = 1 − x/9। तो बच्चों हमने नीचे वाली रकम को ख़त्म करके x की पहले वैल्यू निकालनी है। तो इसका ये 6 है, तो 9 को हमने ख़त्म करने के लिए हमें पहले इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल 6 और 9 का। तो ये 2 के 2 3 3 के टेबल पे 2 3 6 आ गया, और ये 9 इसी तरह उतार लेंगे। फिर 3 के टेबल पे 3 एकम 3 आ गया, 3 3 9 हो गया। फिर 3 के टेबल पे ये 1 इसी तरह 3 एकम 3 आ गया। तो बच्चे 3 3 दुनी 3 3 9 हो गया, 9 दुनी 18। तो बच्चों क्या करेंगे, जुआ जाफकल इसका कितना बन गया नीचे वाली रकम का, 18। जुआ जाफकल हमारे पास आ गया 18 के बराबर। तो हम क्या करवा देंगे, तरफैन को जुआ जाफकल 18 से ज़रब दी। तो बच्चे मेरे पास 5 × x − 3/6, इसको ज़रब करवाना है 18 के साथ। इसी तरह 18x हो गया, और ये 18 आ गया, −x/9 ضرب 18। इस तमाम वैल्यू को 18 के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। तो 6 एकम 6, 6 3 18, तो ये 5 3 कितना हो गया, 15 × x − 3 आ गया, और ये −18x इसी तरह। तो बच्चों ये 18 इसी तरह आ गया, 9 एकम 9, 9 दुनी 18, तो हमारे पास आ गया −2x। इस 15 को ज़रब करवा देंगे, तो ये हमारे पास 15x, 15 × 3 = 45 हो गया, और ये −18x = 18 − 2x। अब बच्चों क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे और सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। तो बच्चे ये हमारे पास प्लस का 15x, माइनस का है हमारे पास 18x, तो माइनस का आ गया 3x, और ये −45, और ये 18 − 2x। अब x वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ, ये −45 है, ये प्लस का 18, माइनस का 18 हो गया, और ये −3x है, इस तरफ आके प्लस का 3x हो गया, माइनस का 3x उस तरफ जाके प्लस का 3x हो गया।
तो बच्चों इसको जमा करवाएंगे तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा इसका 45, जमा करवाएंगे 18 तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा माइनस का 63 आ गया। तो ये माइनस का 2x है, प्लस का 3x है, तो हमारे पास बचेगा प्लस का x। तो कितना आंसर आ गया, x की वैल्यू -63। अब हमने इसका हल सेट भी बताना है, तो कैसे बताएंगे, ये वाली x की वैल्यू लेफ्ट और राइट के अंदर दर्ज कर देंगे, अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया तो वो उसका क्या कहलाएगा, हल सेट। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पड़ताल, पड़ताल कर लेंगे, हमें इसकी क्या करनी पड़ती है, पड़ताल। तो बच्चों ये हमारे पास हमने x इज इक्वल टू पुट करना है माइनस का 63, तो ये 5 इसी तरह आ गया, x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का 63, माइनस का 3/6 आ गया, x की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस का 63 इज इक्वल टू 1 आ गया, x की जगह हमने क्या पुट करना है, 63/9 आ गया। इसी तरह बच्चों हम ये 5 इसी तरह, माइनस का 63, माइनस का 63, माइनस का 66 आ गया, 6/, नफी नफी जमा का 63 आ गया। इसी तरह बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया। अब इसको 3 के टेबल पे पहले कैंसिल करवा देंगे, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, तो ये हमारे पास आ गया 21,